हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होने वाला है काफी शानदार, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में आपको काफी शानदार चीज दिखाने वाला हूँ। आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि हम जब टेस्टर से लाइट को चेक करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता भाई। अगर हम वैसे अगर लाइट को छू लें तो हमें करंट लग जाएगा और हम एक्सपायर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जब टेस्टर से जब लाइट को छूते हैं, मतलब कि पावर को लगाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो भाई हमें करंट लगता क्यों नहीं है? आखिर क्या ऐसा होता है जिसमें कि हमें करंट नहीं लगता है? उसमें लैंप तो जलता है, जैसे हम टेस्टर से चेक करते हैं उसमें लैंप तो जलेगा लेकिन उसमें हमें करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा टेस्टर के अंदर होता क्या चीज़ है, क्या नहीं होता है, तो वही चीज़ हम आज पूरा क्लियर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो ये मेरे पास एक टेस्टर है जो कि हमारा टापरिया कंपनी का है, काफ़ी शानदार टेस्टर है और ये मार्केट में आराम से आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है और वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता है। तो अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा इसको खोल के। अभी हम इसको खोल लेते हैं धीरे से, आराम से इसको खोल के पूरा देखते हैं, इसको खोलते हैं। इसके अंदर ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये स्प्रिंग है और एक स्क्रू निकला इसके ऊपर जो टाइट था स्प्रिंग से, और एक ये है जिससे हम कि इसको पॉकेट में टांगते हैं। ये कि एक अपना हैंडल है इसका, वो हैंगिंग जिसपे टांगा जाता है। और इसके अंदर जो निकला है आपको ये दिख रहा है, ये है लैंप, यही वो लैंप है जब हम उसको टेस्ट करते हैं, लाइट पे लगाते हैं फेस पे, तो हमें इसमें एलईडी ये ब्लिंक हो जाती है इसकी, ये लैंप जल जाता है। और भाई ये देखिए अंदर, इसके अंदर क्या चीज़ निकली ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे देख के कि ये क्या चीज़ है। ये है रेजिस्टेंस, ओके, इसको बोलते हैं हम रजिस्टर। जो रेजिस्टेंस जो होता है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में बहुत अंतर होता है। ये रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो रजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे भाई, ये रजिस्टर जो है ये कितने ओम का है भाई। पूरा हमारा, हमें जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो रजिस्टर ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई ये हाई रजिस्टेंस होता है जिसका, मेगा ओम में होता है, इस कारण से हमें करंट नहीं लगता है। जी हाँ, यही वो चीज़ है जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता है और हम सेफ बचे रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। हम चेक भी कर लेते हैं लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हमारा एलईडी भी जल जाता है। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जो कि मेगा ओम में होता है, इसी कारण से हमें करंट नहीं लगता है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको, जस्ट अभी इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। मेरे पास एक मल्टीमीटर है, तो हम जैसे मल्टीमीटर में लगाएंगे तो अभी देखिए मेगा ओम में आ रहा है कुछ, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लगा होता है, ठीक है। यहाँ से हम जैसे इसको पावर में लगाएंगे, जैसे हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऊपर एलईडी ये लैंप जल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको रेजिस्टेंस का, ये अब देखिए अब क्लियर हो जाएगा, 1.041 मेगा ओम। हाँ, ये मतलब लगभग 1 ओम का हमें 1 मेगा ओम, ठीक है। मेगा मतलब सबसे बड़ा यूनिट होता है ओम का, तो ये बहुत ज़्यादा है भाई, इससे हमें करंट नहीं लगता है। तो आप समझ गए होंगे भाई करंट क्यों नहीं लगता है, वो इसी के कारण हमें करंट नहीं लगता है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है, इस मेगा ओम की रेजिस्टेंस के कारण हमें करंट नहीं लगता है। अभी मैं इसको वापस से लगा देता हूँ इसका सब कुछ। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर इसके बाद ये बल्ब लगाएंगे एलईडी जो कि, और इसके बाद फिर हम ये लगा देंगे इसका जो कि हम हैंडल जिसको कि हम टांगने के लिए काम आता है हैंगिंग, ठीक है। ये स्क्रू टाइट कर दिया हमने वापस से इसको जैसा था वैसा ही हमने इसको कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि भाई वीडियो कैसा लगा। और भी ऐसे ही टेक्निकल वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट से संबंधित। तो ज़्यादातर मैं इंस्ट्रूमेंट के वीडियो डालता हूँ, लेकिन मैं अब टेक्निकल के वीडियो जितने भी होंगे वो सब डालने की कोशिश करूँगा और आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूँगा। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।